आज पूजा दुनिया में नहीं है तो उसकी जिम्मेदार मैं ही हूं, मैं ही हूं। श्रद्धा, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तू, मैं, सम्राट, नियति के चक्कर में फंसकर सबने वही किया जो हमसे ऊपर वाले ने करवाया। मैं ये नहीं कहूंगा श्रद्धा कि हम लोग दोषी नहीं हैं, लेकिन लेकिन हम इस सब को कैसे रोक सकते थे? अरे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है श्रद्धा, कुछ नहीं। हम तो बस कठपुतली है, कठपुतली। नहीं, किस्मत को या तकदीर की बात करके मैं अपने दोष पर पर्दा नहीं डालूंगी। मैं दोषी हूं, सजा भी मिली है कि मैं जिंदगी भर अपने बहू के लिए तड़पूं। लेकिन मुझे ऊपर वाले से एक शिकायत है कि मेरी गंगा जैसी बहू, जिसका कोई दोष नहीं था, क्यों क्यों उसको अपने पास बुला लिया? क्यों? हेलो सुधाकर बेटा। बेटा, मैं विशंभर बोल रहा हूं। बाबूजी प्रणाम। पूजा की कोई खबर मिली? वो क्या है कि बाबूजी, कहां थी मेरी बहन? वो ठीक से तो है ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो मिल गई। बेटा बेटा, मेरी बात तो सुनो। बाबूजी, अब मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरी बहन मिल गई, बस बस इतना काफी है मेरे लिए। बाबूजी, क्या मैं पूजा से बात कर सकता हूं? नहीं बेटा, अब तुम पूजा से कभी बात नहीं कर पाओगे। क्या ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? क्या हुआ, क्या हुआ मेरी बहन को? बेटा, पूजा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसका एक्सीडेंट हो गया था, पटना से 160 किलोमीटर दूर मौकाना गांव में। हम लोगों को 5-6 दिनों बाद पता चला। पूजा के फोटो से उसकी पहचान हो सकी। हमें तो उसका शरीर भी नहीं मिला बेटा। पुलिस वालों ने ही उसका दाह संस्कार कर दिया। हेलो सुधाकर, बेटा बेटा, तुम सब कुछ सुन रहे हो ना? हेलो 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 सुधाकर बेटा, अरे ऐसे क्यों बैठे हैं? सुनिए, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सुनिए, क्या हो गया था आपको? बेहोश क्यों हो गए थे? निशा, निशा, पूजा, पूजा, क्या हुआ पूजा को? पूजा, पूजा, नहीं।
ऐसा नहीं हो सकता। किसने कहा आपसे? पटना से फोन आया था, पूजा का एक्सीडेंट हो गया। पूजा पूजा अब इस दुनिया में नहीं है। शालू जी, हम ऑफिस जा रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आना है। नहीं भैया। ठीक है। हेलो जी, बोलिए। क्या हाँ, हम अभी आ रहे हैं। अब आशु सुनो, क्या हुआ? हमारे साथ जरा सम्राट के घर चलो तो। सम्राट के? सम्राट के घर क्यों? हम रास्ते में बताते हैं तुमको। लेकिन आप परेशान क्यों हैं? अरे हम बोल रहे हैं ना, हम बता रहे हैं तुमको, चलो। शालू, हम तुम्हारे भैया के साथ बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है भाभी। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई गम जरूर होता है, इसलिए गम को नहीं खुशियों को गले लगाना चाहिए, जिंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी। तो अब रोज आते जाते रहिएगा, नहीं तो हमारी चाय का स्वाद और अच्छा हुआ या नहीं हमें पता ही नहीं चलेगा। वैसे सचमुच आज की चाय उस दिन से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनी है। ये चाय भी ना आजकल मुझे धोखा देने लग गई है, जब आप आती है ना तभी ज्यादा स्वाद देती है। आप भी ना। वैसे आज आप अपने स्कूल नहीं गए? आप रविवार को स्कूल जाती थी? नहीं तो। ओ, आज रविवार है, आप भी ना। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं भी आपके साथ स्कूल में एडमिशन ले सकती हूँ? जब से आपसे मिली हूँ मन में जीने की एक इच्छा जाग उठी है, आप जैसे लोगों के साथ रहूंगी तो समय अच्छे से कट जाएगा। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन आप वहां प्रवेश नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि वो स्कूल बच्चों का है, वहां 16 साल से ज्यादा उम्र के लोग प्रवेश नहीं ले सकते। अरे आप तो देख नहीं सकते, फिर आपने कैसे जाना कि मैं 20 से ऊपर की हूँ? अच्छा अच्छा, तो 20 से ऊपर की हैं आप। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो 20 से 3-4 साल ही ऊपर की होंगी आप। थैंक्स बताने के लिए। बातों में बहुत उत्साह हैं आप, मेरी उम्र का तो अंदाजा लगा लिया आपने, अब जरा अपनी उम्र का भी हिसाब किताब दे दीजिए। क्या हुआ, बताना नहीं चाहते? अरे नहीं, उंगलियों पर हिसाब किताब लगा रहा था। मजाक उड़ा रहे हैं? मेरी इतनी मजाल? खैर अपनी उम्र बता ही देता हूँ मैं, 1 महीने के बाद 65 साल का हो जाऊंगा मैं। अच्छा, लोग 60 साल की उम्र तक रिटायर हो जाते हैं और आप 65 की उम्र तक पढ़ा ही रहे हैं,
नहीं बताना चाहते हैं तो मत बताइए, मैं दबाव नहीं डालूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं कोई महिला थोड़े ही हूँ जो अपनी उम्र छुपाऊंगा। पूरे 30 साल का हूँ मैं। ओ, आपने 50 से कम का नहीं समझा होगा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप अंधों को पढ़ाते कैसे हैं? वो लोग लिखते पढ़ते कैसे हैं? ब्रेल लिपि की मदद से। ये एक मेथड है जिससे अंधे बच्चे छूकर महसूस करके लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। क्या आप मुझे भी सिखाएंगे? ठीक है, मैं आपके लिए भी ब्रेल लिपि का सामान लेता आऊंगा और एक दो किताबें भी। थैंक्स। हर बात पर थैंक्स बोलना जरूरी नहीं है, कभी कभी सामने वाले को तकलीफ भी हो सकती है। सॉरी। इट्स ओके। बाबूजी को खबर दी? देखो बेटा, बताना तो पड़ेगा ही। कब तक छुपा कर रखेंगे? बाबूजी, कैसे बताऊं? डर लग रहा है मुझे। पहले दीदी, फिर माँ चली गई, और अब पूजा। फिर बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूं बेटा, लेकिन ऐसे समय में हम हिम्मत नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा?